हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैं अभी बात करने वाला हूं, जो कि है चैलेंजेस इन मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। तो जब भी सर्विसेज की मार्केटिंग की बारी आती है, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि कंपनीज को फेस करनी पड़ती हैं। उसके बारे में इस वीडियो में हम पूरा बात करेंगे। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए और आपको अगर नोट्स चाहिए बहुत ही सस्ते दामों पे, तो वो आपको हमारे पास से कॉमर्सी पाठशाला की तरफ से आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल है। सिंपली उसके लिए क्या क्या प्रोसेस है मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको असाइनमेंट्स चाहिए सबसे बड़ी बात, और आपको 24/7 सर्विसेज चाहिए कि आपके कोर्स के बारे में ख्याल रखने वाला कोई आपका हो, तो उसमें कॉमर्सी पाठशाला आपकी हेल्प कर सकता है। उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको हमारे चैनल का मेंबरशिप का प्लान लेना है, जिसके लिए आपको हमारे चैनल के ऊपर विजिट करना होगा, जो कि है कॉमर्स ई पाठशाला। आप जैसे ही इस वाले वेबसाइट पे आएंगे, हमारे यूट्यूब वाले पेज पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको एक ज्वाइन का बटन दिखेगा, ठीक है ना। पर उसके पहले आप सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, ठीक है ना। फिर ज्वाइन के बटन को दबाना। ज्वाइन के बटन को दबाने के बाद देखो, यहाँ पे इग्नू एमकॉम का ऑप्शन है। यहाँ पे इग्नू एमकॉम में आकर के आपको इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके एक नॉमिनल सा फी पेमेंट करके आपको हमारे चैनल का मेंबरशिप ले लेना है। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेंगी, आपको असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। 6 पेपर के असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। ऐसे कॉमर्सी पाठशाला का असाइनमेंट बहुत ही अच्छा होता है और इसके लिए तकरीबन लोग 100 रुपए पर पेपर भी पे करते हैं, बट यहाँ पे आपको 1 रुपए का भी पेमेंट नहीं लगेगा, आपको असाइनमेंट्स जो है फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आप नोट्स खरीदते हैं हमारे पास से, तो उसमें भी आपको 40% का डिस्काउंट मिलेगा। 40% का डिस्काउंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, 40% का आपको डिस्काउंट मिलेगा। व्हाट्सएप सपोर्ट आपको 24/7 मिलने वाला है। रिगार्डिंग एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन जो भी आपके दिमाग में होंगी, उन सबको जो है हम दूर करने की कोशिश करेंगे। दूर करेंगे एक्चुअली, कोशिश क्या करेंगे, हमारा जो है फुल डेडिकेशन आपको लेकर के होगा। किसी भी तरह की दिक्कत आपको होती है, उसमें आपको हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है ना। तो ये तो बात होगी इसके बारे में। अब बात कर लेते हैं प्लेलिस्ट के बारे में, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि सर स्टडीज हम थॉरली नहीं कर पा रहे हैं, वन बाय वन नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि भाई एक काम करो, कॉमर्सी पाठशाला में विजिट करो सबसे पहले। उस पर विजिट करने के बाद इग्नू एमकॉम का आपको प्लेलिस्ट नजर आएगा, सेक्शन नजर आएगा, आपको इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, इग्नू एमकॉम, इग्नू जो है आपका एमकॉम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर, सारे के सारे प्लेलिस्ट आ जाएंगे। फर्स्ट ईयर में आपका आईबीओ 1 से लेकर के आईबीओ 6 और सेकंड ईयर में एमसीओ 1 से लेकर के एमसीओ 7, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जिनको देख करके आप डेफिनेटली एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि होने वाला है अबाउट द चैलेंजेस इन मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। तो चलिए फिर देखते हैं। सो द ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज कम्पोज ऑफ 4 P's। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि 4 तरह के P होते हैं, जिसको हम प्रोडक्शन मिक्स भी कहते हैं, प्रोडक्ट मिक्स भी कहते हैं। वो कौन कौन सा है, सॉरी मार्केटिंग मिक्स भी कहते हैं उसको, कौन कौन सा है, प्राइस, प्रोडक्ट, प्लेस और डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये 4 चीजें होती हैं जिनको मिला करके जो है ये 4 P's बनते हैं, राइट। प्राइस, देखो प्रोडक्शन, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, है ना, प्लेस ही डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा। दीज एलिमेंट्स अपीयर एज कोर डिसीजन वेरिएबल इन एनी मार्केटिंग प्लान। तो किसी भी मार्केटिंग प्लान में ये 4 जो एलिमेंट्स होते हैं, ये इन्हीं के ऊपर जो है लोगों को डिसीजन लेना होता है। सबसे ज्यादा टफ जो है होते हैं, जो भी डिसीजन उनको लेना होता है, वो इन्हीं के बेसिस पे लेना पड़ता है। ऑल दीज 4 वेरिएबल्स आर इंटर रिलेटेड। ये चारों के चारों वेरिएबल जो है ये आपस में इंटर रिलेटेड है। एंड देयर इज एन ऑप्शनल मिक्स ऑफ 4 फैक्टर्स फॉर अ गिवन मार्केट सेगमेंट एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। और यहाँ पे एक तरीके का आपको जो है मिक्स तैयार करना पड़ेगा, इन चारों को सोच करके, चारों को दिमाग में रख के एक मिक्स तैयार करना पड़ेगा, जो भी आपका मार्केट सेगमेंटेशन है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको वो तैयार करके उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, ताकि आपका जो बिजनेस है वो ठीक तरीके से चल पाए, है ना। दो कंसेप्चुअली मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज इज नो डिफरेंट फ्रॉम मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, है ना। अगर कंसेप्चुअली देखा जाए तो मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज जो होती है वो मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स से डिफरेंट नहीं होती है, है ना। द स्ट्रेटजीज ऑफ 4 P's हाउएवर रिक्वायर सम मॉडिफिकेशंस व्हेन अप्लाइड टू सर्विसेज। लेकिन जब आप सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जिसको हम देख भी नहीं पाते हैं, है ना, प्रोडक्ट के बारे में तो हमें जानकारी है भाई, है ना, तो उसमें हम देख पा रहे हैं चीजों को, तो वहां पे जो तरीका होगा वो सेम, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट होगा। लेकिन लेकिन कंसेप्चुअली अगर देखा जाए तो सर्विसेज में भी वही 4 P's लगेंगी। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे चीजें चूंकि आपको दिखाई नहीं दे रही है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है आपको मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट करनी होंगी, राइट। बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में एक सिग्निफिकेंस डिफरेंस होने के कारण मार्केटियर्स ऑफ सर्विसेज फेस सम डिस्टिंक्टिव चैलेंजेस। इसके कारण से जो मार्केटियर्स होते हैं सर्विसेज के क्षेत्र में जो काम करते हैं, उनको सम डिस्टिंक्टिव चैलेंजेस जो है, डिफरेंट डिफरेंट चैलेंजेस जो है उनको फेस करने पड़ते हैं।
अब उसको हम एक एक करके टेबल के माध्यम से हम समझ लेते हैं, जो यहाँ पे टेबल बना हुआ है 7.4 में, है ना। देखो यहाँ लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड द एसोसिएटेड मार्केटिंग चैलेंजेस। तो गुड्स और सर्विसेज में जो अंतर है उसको भी करेंगे, प्लस दोनों में कौन कौन से चैलेंजेस हैं उसको भी हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि गुड्स जो होता है वो टेंजिबल होता है और सर्विसेज इनटेंजिबल होता है। मतलब गुड्स हमें दिखाई देता है लेकिन सर्विसेज हमें दिखाई नहीं देता है। अब अगर इन दोनों के मार्केटिंग की बात करें, है ना, दोनों को इस्तेमाल करने की बात करें, तो सर्विसेज कैन नॉट बी इन्वेंटराइड। मतलब सर्विसेज को आप एक जगह पे इन्वेंटरी के रूप में जमा नहीं कर सकते। प्रोडक्ट को आपने इन्वेंटरी के रूप में अपने पास रख लिया, जो नहीं बिका वो इन्वेंटरी स्टॉक के रूप में आपके पास रह गया, लेकिन सर्विसेज को आप वैसे नहीं रख सकते। सर्विसेज कैन नॉट बी पेटेंटेड। सर्विसेज को आप पेटेंट नहीं करवा सकते। आपने सुना होगा कि कुछ यूनिक मैंने प्रोडक्ट बनाया तो उसका मैंने पेटेंट करवा लिया, तो वो प्रोडक्ट सिर्फ आप ही बना सकते हो और कोई नहीं बना सकता, है ना, उसी तरीके से। लेकिन सर्विसेज में आप पेटेंट नहीं करवा सकते। सर्विसेज कैन नॉट बी रैपिडली डिस्प्लेड और कम्युनिकेटेड। अब सर्विसेज जो होती हैं आप उसको रैपिडली एक तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते, है ना। प्राइसिंग इज डिफिकल्ट। सर्विसेज के क्षेत्र में जो प्राइसिंग होती है वो थोड़ी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, गुड्स के क्षेत्र में थोड़ी सी आसान होती है ना। गुड्स के क्षेत्र में देखो स्टैंडर्डाइज्ड होता है और सर्विसेज जो यहाँ हेटेरोजेनस होता है। हेटेरोजेनस का मतलब क्या है कि यहाँ पे बहुत तरह की सर्विसेज मिल जाती है, लेकिन गुड्स जो होता है वो स्टैंडर्ड होता है, एक ही तरह की सर्विसेज जो है यहाँ पे आपको मिलती है। अब अगर मार्केटिंग इम्प्लीकेशन में बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं तो देख लेते हैं। सर्विस डिलीवरी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन डिपेंड ऑन एम्प्लॉई एक्शंस, है ना। जो भी सर्विस डिलीवरी होगी, जो जो भी कस्टमर सेटिस्फेक्शन होगा, वो सब कुछ जो है एम्प्लॉई के एक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। सर्विस क्वालिटी डिपेंड्स ऑन मेनी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। जो सर्विस की क्वालिटी होगी वो भी एक तरीके से अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जिसको आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। आप समझ रहे हो सर्विसेज कितनी मुश्किल है सर्विसेज की मार्केटिंग को कर पाना। देयर इज नो श्योर नॉलेज दैट द सर्विसेज डिलीवर्ड मैचेस व्हाट वाज प्लान्ड एंड प्रमोटेड, है ना। तो इसका कोई नॉलेज नहीं है, कोई बेस नहीं है जिसके बेसिस पे आप ये बोल सको कि जो भी सर्विसेज डिलीवर की जा रही है वो एक तरीके से प्रमोटेड है या फिर प्लान्ड है, राइट। तो सर्विसेज में ये दिक्कत होती है। तीसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो ये है प्रोडक्शन सेपरेट फ्रॉम कंजम्पशन। प्रोडक्शन जो होता है वो सेपरेट होता है कंजम्पशन के मुकाबले, लेकिन सर्विसेज में साइमल्टेनियस प्रोडक्शन और कंजम्पशन होता है। साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन भी होता है और उसका एक तरीके से कंजम्पशन भी होता है एक ही साथ। कस्टमर्स पार्टिसिपेट इन एंड अफेक्ट द ट्रांजेक्शन। कस्टमर जो होता है इसमें पार्टिसिपेट करता है और ट्रांजेक्शन को अफेक्ट करता है। कस्टमर्स अफेक्ट ईच अदर, और जो कस्टमर्स होते हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। मैं सर्विसेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये सारी इश्यूज हैं। एक और पॉइंट है नॉन पेरिशेबल एंड पेरिशेबल, है ना। तो इसका क्या मतलब हो गया? पेरिशेबल मतलब जिसको एक तरीके से दोबारा तैयार किया जा सकता है या नहीं तैयार किया जा सकता है। नॉन पेरिशेबल जिसको आप दोबारा तैयार कर सकते हो, है ना, ये खत्म नहीं होगा, ये खत्म नहीं होगा, आप दोबारा तैयार कर सकते हो। लेकिन सर्विसेज जो है वो खत्म हो जाती है, वो हमेशा नहीं रहती है। Employees affect the service outcome decentralization. Employee जो होते हैं वो service outcome को एक तरीके से affect करते हैं। Decentralization may be essential. Mass production is difficult. Decentralization जो होता है वो may be जरूरी हो सकता है। Mass production अगर किया जाए तो वो possible नहीं है services के क्षेत्र में। It is difficult to synchronize apply and demand. है ना, supply and demand. ये बहुत मुश्किल काम है services के क्षेत्र में कि आप supply और demand को एक तरीके से synchronize कर पाओ। लेकिन प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में हो पाता है ना, जितना सप्लाई होता है डिमांड भी वैसी क्रिएट की जाती है, फिर जितना डिमांड होता है सप्लाई वैसी होती है। मैं उल्टा बोल गया, जितना डिमांड होता है वैसी सप्लाई होती है। लेकिन सर्विसेज के क्षेत्र में आप ये काम नहीं कर सकते हैं, राइट। सर्विसेज कैन नॉट बी रिटर्न और रीसोल्ड। सर्विसेज को आप रिटर्न भी नहीं कर सकते और सर्विसेज को आप दोबारा बेच भी नहीं सकते हो। तो ये एक अंतर है जो कि आपको पता होना चाहिए। ये कुछ पॉइंट्स के डिफरेंसेस थे जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं, चैलेंजेस इन मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, जहां पे मैंने आपको चैलेंजेस इन मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज बताया। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।